देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर चुकी अलायंस आईडी है आईडी कौन लगाया यहाँ पे, जिसको देखते हुए जो पूर्वांचल में खासकर जो है आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में, अरे नेटवर्क फिर रखो भाई, 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। मैं जानता हूँ सवाल आप कर रहे हो, आप भी कमल के फूल की बटन दबाओ। सर मानना है कि जो ओबीसी है, जैसे अभी पीसी हो रही है, अखिलेश यादव ने कर दिया, और उनका ये मानना है कि जो ओबीसी वर्ग है वो उनके साथ में है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल, वो बताइए कि सरदार पटेल जी का अपमान करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना का नाम क्यों लिया? मेरा उनसे सवाल है कि वह बताएं, अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो जब सपा बहुमत में थी तब पिछड़े वर्ग के अन्य किसी जाति की याद उनको क्यों नहीं आई थी? अगर वो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित कर दी, ऐसे बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के अंतिम सांस लेने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी कटघरे में हैं, वो 47 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी अब इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी, गुंडागर्दी अपराध माफियागिरी इसका सबका की कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव काफी हड़बड़ाए हुए हैं, और खासकर हड़बड़ाए नहीं घबराए हुए हैं और माना जा रहा है कि क्या ये छापे की कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं। 280 करोड़ रुपया नकद बरामद हुआ है, और अभी पता नहीं कितना बरामद होगा, मुझे नहीं मालूम, वो जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन जांच एजेंसी कोई जांच करके कुछ बरामद करे तो यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको वेलकम करना चाहिए, वो तो घबरा जाते हैं, बिलखला जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कभी कहते हैं ये व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जैनों हमारा नहीं है, बीजेपी जैसे ही क्यों ऐसा, फिर वो जब चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर उनका नहीं है तो सफाई क्यों दे रहे हैं? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।